बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले हफ्ते में हम लोग मिआ तक पहुँचे थे, नहीं हंड्रेड तक पहुँचे थे। पिछले हफ्ते में जो बातें आई थी उनमें दो बातें रह गई थी। एक तो ये कि हम लोग मिआ तक पहुँचे थे, यानी हंड्रेड तक पहुँच गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम हंड्रेड को भी शुमार करना चाहें तो कैसा शुमार करेंगे। जैसे हमने कहा, सौ आदमी, सौ औरतें, तो यहाँ पर तो हमारा जो सौ की जो गिनती है ये खुद अदद है, लेकिन अगर सौ की जो गिनती है ये खुद मादूद हो जाए तो हम कैसा लिखेंगे। बात समझ में आई नहीं? समझे? मैंने मिसाल अभी दी कि अगर हम कहें कि सौ आदमी, तो यहाँ पर आदमी मादूद और सौ अदद है। हमने कहा हज़ार आदमी, तो यहाँ पर आदमी मादूद और हज़ार अदद है। लेकिन अगर हमें कहना हो कि 200, 300, 400, 500, तो अब यहाँ पर सौ की जो गिनती है वो अदद हो करके यहाँ पर ही बतौर मादूद है, और पांच जो मैंने कहा है वो अदद है भी। बात समझ में आ रही है? जो पांच है, हमने कहा 500, तो ये जो पांच है ये अदद है, सौ ये मादूद है। पिछले हफ्ते में हमने एक से लेकर के 99 तक, बल्कि 100 तक समझ लिया था। अब 100 के बाद जब आगे बढ़ते हैं, बात आई थी 100 की भी और हज़ार की भी, लेकिन एक बात ये रह गई थी कि अगर 100 यानी मिआ और अल्फ ये खुद अगर महदूद बनते हों तब क्या करेंगे। जैसे हमने अभी कहा 500 तलबा, तो 500 तलबा, ये 500 इतना मिलके तो अदद बन रहा है, 500 ये अदद बन रहा है और तलबा महदूद। लेकिन 5 और 100 इन दोनों में देखेंगे तो 5 अदद है और 100 क्या हो गया? मादूद। तो कहते हैं कि फिर उस सूरत में मिआ और अल्फ कैसे रहेंगे। तो कहते हैं कि मिआ ऐसे ही रहेगा, इसका अदद जैसा भी आए। अलबत्ता अगर अल्फ है तो अल्फ के साथ वो सारे कायदे लागू होंगे जो दीगर मादूद के साथ में लागू होते हैं। क्या कायदे लागू होते हैं? बताया गया है कि 3 से लेकर के 9 तक का मादूद जमा और मजरूर होगा। 3 से लेकर के 9 तक का अदद अपने मादूद के मुखालिफ होगा। ये अभी हमने सिर्फ इतने देखा है। तो हम कहेंगे 3000, 3000 में 3 ये अदद है और हज़ार क्या है? मादूद। तो अब इसकी हम अरबी बनाने चले तो हम कहते हैं कि चूंकि अल्फ ये मुज़क्कर है तो 3 हम लेकर के आएंगे सलासतु यानी मुअन्नस, क्योंकि 3 से लेकर 9 तक का अदद अपने मादूद के मुखालिफ होता है। तो हमने क्या कहा? सलासतु। अब आगे है अल्फ जो कि मादूद है तो गिनती, लेकिन अभी यहाँ पर काउंट हो रही है, वो है ना, मादूद है वो। अब कहते हैं कि मादूद कैसा होगा? 3 से लेकर 9 तक का जमा और मजरूर होगा। तो हम कहेंगे सलासतु आलाफिन। बस समझ आई? सलासतु आलाफिन। जबकि मिआ ये ऐसे ही रहेगा, ये कहीं भी शुमार में आएगा, कहीं भी मादूद बनेगा, तो मिआ ऐसे ही रहेगा। सिर्फ अल्फ का मसला है कि अल्फ जब मादूद बनता है तो इसके साथ वो सारे कायदे लागू होते हैं जो कायदे किसी भी मादूद के साथ में आते हैं। यानी हम कहेंगे 20,000, तो हम क्या बोलेंगे इसको? 20,000। जैसे हमने कहा था 20 किताबें, तो हम क्या बनाते इसकी अरबी? इशरूना किताबन, है ना। हमने कहा था इशरूना किताबन, उकूद, है ना, 20, 30 से लेकर 90 तक ये उकूद हैं, इनका मादूद वाहिद और मंसूब होगा। तो ऐसे ही जैसे वो वाहिद मंसूब होगा मादूद, तो
तो यहाँ पर ये अल्फ़ ये भी मादूद मरकर के ही आ रहा है, तो हम कहेंगे इशरूना अल्फन। इतनी बात समझ में आई जी, बात समझे ना। एक बात और कि अशारा का जो लफ्ज़ है ये अशारा शीन पर फतह भी आता है, सीन पर साकिन भी होता है। तो कहते हैं कि अगर हमारा मादूद मुज़क्कर हो तो अशारा के सीन को फतह देंगे, अशारा शीन पर फतह, और अगर हमारा मादूद मुअन्नस हो तो सीन पर हम साकिन देंगे, जज्म अशरतु। समझ गए? अशरा दस, अगर इसका मादूद मुज़क्कर हो तो सीन पर फतह, और अगर मादूद मुअन्नस हो तो सीन पर जज्म। अब इसके साथ ही अदद और मादूद की बातें पूरी हो गई हैं। अब अगर कुछ किसी को पूछना हो तो पूछ लें, और नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी मिसाल जी, किसकी मिसाल? अशरा की। जैसे हम कहेंगे 10 तलबा की हम अरबी बनाने चले तो अशारा भी है और अशरा तो भी है। तो कहते हैं कि 10 के लिए कायदा क्या है कि 10 अगर मुफरद हो तो इसके लिए वही कायदा है जो कायदा 3 से लेकर 9 तक का है। क्या कायदा है? कि अदद अपने मादूद के मुखालिफ होगा और मादूद जमा और मजरूर होगा। जैसे हमने कहा सलासतु रिजालिन, रजुल चूँकि मुज़क्कर है इसलिए यहाँ पर सलासो नहीं आया बल्कि सलासतो आया, और 3 से लेकर 9 तक का मादूद जमा और मजरूर होता है इसलिए हमने कहा रिजालिन, सलासतु रिजालिन। ऐसे ही अशरा का मामला है कि अशरा अगर मुफरद हो तो इसके लिए वही कायदा जो कायदा 3 से लेकर 9 तक का होगा। अब हमने यहाँ पर कहा 10 तलबा, तो अब चूँकि तालिब मुज़क्कर है तो हम यहाँ पर क्या लेकर के आएँगे? मुअन्नस लेकर के आएँगे, है ना। तालिब अगर तालिब चूँकि मुज़क्कर है तो यहाँ पर हम 10 वाले अदद को हम मुअन्नस लेकर के आएँगे, तो मुअन्नस क्या लाएँगे हम? अशारा तु, है ना, अशारा तु। वो बता रहा हूँ अभी, अशारा तु हो गया। चूँकि तालिब मुज़क्कर है, 10 ये मुफ़रद है, है ना, तो जब 10 की गिनती मुफ़रद हो तो अपने मादूद के मुखालिफ होती है, तो हमने इसको क्या कह दिया? मुअन्नस। तालिब मुज़क्कर तो ये अशरा मुअन्नस, तो हमने कहा अशरा तू, गिनती हमने तय कर ली। अब मादूद की बात आई तो तालिबुन के माने तालिब जमा तुल्लाब, तो कहते हैं 3 से लेकर के 9 तक की गिनती जब रहे तो उसका मादूद जमा और मजरूर होता है, तो हमने कहा कि ये तुल्लाब आएगा, तो हमने क्या कह दिया? अशारातु तुल्लाबिन, है ना। अब अशारातु तुल्लाबिन में और जो कायदा आपने पिछले हफ्ते में सीखा है उससे हट करके जो आज मैंने बताया वो ये कि चूंकि तालिब और तुल्लाब ये मुज़क्कर हैं इसीलिए अशारा के सीन पर फतह आया। अब तुल्लाब के बजाय अगर हम तालिबात कह देते हैं तब क्या हो जाएगा जी? 10 तालिबात, सीन पर साकिन आएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? अशरू सीन पर साकिन, अशरू तालिबातिन। जो कायदा पिछला है वो तो हो गया, सिर्फ सीन पर कौन सा इराब आएगा वो अभी मैंने बताया है। आज मैंने गोया कि दो बातें बताई हैं, एक तो अशरा के सीन पर कौन सा इराब आएगा, तो क्या बताया? अगर हमारा मादूद मुज़क्कर है तो अशरा के सीन पर फतह आएगा, और अगर मुअन्नस है तो साकिन। एक बात यह हो गई। दूसरी बात ये कि मिया और अल्फ, यहाँ तक तो हमने
सीखा है कि मियाँ और अल्फ अगर बतौर अदद इस्तेमाल होंगे तो जो पिछले हफ्ते बता दिया वही है, लेकिन मियाँ और अल्फ ये अपने आप में खुद अगर ये मादूद हो जाते हैं, हमने कहा 200, 300, 400, 500, तो 200 कहा हमने तो वहाँ मसला नहीं है, क्योंकि एक और दो के लिए कोई मसला नहीं, तो जानते ही हैं, है ना। मियातुन के माने 100, है ना, मियाताने के माने 200, एक और दो का मसला है ही नहीं अदद और मादूद में। मसला कहाँ है? तीन के बाद। तो हमने कहा 300 या हमने कहा 3000, तो कहते हैं कि यहाँ पर तीन चाहे 100 के साथ में आया है चाहे 1000 के साथ में आया है, ये तीन अदद है और 100 और 1000 ये मादूद है, दोनों मिलकर के अदद बनेंगे वो ठीक है, लेकिन अपने आप में यहाँ पर ये दोनों मिलकर के अदद मादूद हैं। फिर बाद में अगर मादूद आता है 300 तलबा, है ना, 300 तलबा, तलबा तो मादूद है ही, लेकिन ये 300 का जो मुरक्कब है यहाँ पर तीन अदद है और मियाँ 100 ये मादूद है, तो कहते हैं कि मियाँ और अल्फ जब ये खुद मादूद बन जाएं तो उस सूरत में क्या होगा कायदा, तो कहते हैं कि मियाँ जैसे है वैसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, अलबत्ता अल्फ के साथ में वो सारे कायदे लागू होंगे जो कायदे किसी भी मादूद के साथ में आते हैं। बस समझ आई? अल्फ यानी यहाँ पर तीन की बात कर रहे हैं। अल्फ यानी हज़ार, अल्फ यानी हज़ार पर तीन, हज़ार वाली वो तीन की बात कर रहे हैं। अल्फ, अल्फ और मियाँ का मैंने बताया कि मियाँ अगर मादूद बनता है जी। इधर गिनती कुछ भी रहती है जी। कोई भी गिनती रहती है, अदद कुछ भी रहे, मियाँ ये मादूद बन रहा है तो ये मियाँ ही रहेगा। जैसे कहा गया है कि तीन से लेकर नौ तक का जब अदद रहेगा तो मादूद जमा और मजरूर होगा, तो कहते हैं कि ये मियाँ जमा और मजरूर नहीं बल्कि ये मियाँ ही रहेगा। बताया गया है कि तीन से लेकर नौ तक का जब अदद रहे तो उसके लिए मादूद क्या आता है? जमा और मजरूर। तो कहते हैं कि ये कायदा अल्फ वाले के साथ में तो लागू होगा लेकिन मियाँ के साथ में लागू नहीं होगा, मियाँ मियाँ ही रहेगा। रसम भाई, हमने कहा 3000, 4000, 5000, अब आगे तलबा तो है ही, हमको बनाना है अगर अरबी 5000 तलबा, तो यहाँ पर 5000 ये इतना तो अदद है ही, तलबा मादूद, लेकिन 5 से शुमार किया गया है हज़ार को भी, 5000 मिल करके एक अदद है, तलबा मादूद, लेकिन कहते हैं कि 1000 खुद भी मादूद है, इसको शुमार किया गया है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 शुमार किया गया, तलबा तो बाद में है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 5000 गोया कि अल्फ को भी शुमार किया गया है, अल्फ को भी मादूद बनाया गया है, बाद में तलबा तो हैं ही, तलबा तो बाद में मादूद है ही, लेकिन यहाँ अल्फ भी मादूद बन रहा है, तो कहते हैं जब मियाँ और अल्फ ये खुद भी मादूद बने तो उस सूरत में क्या होगा, मियाँ वैसे ही रहेगा, अल्फ दीगर कायदों के साथ में ये भी सेट होते चले जाएगा। जैसे हमने कहा 20000, तो हम क्या बोलेंगे, इशरूना अल्फन, सही है, हमने कहा 20000 तो क्या हो गया, इशरूना अल्फन। उकूद का मामला यह है कि इसका मादूद क्या होता है, वाहिद और मनसूब, हमने कहा इशरून रजुलन, इशरून इमरातन, तो ऐसे इशरून अल्फन, मियाँ वैसे ही रहेगा, मियाँ का मैंने बताया ना कि मियाँ ये वैसे ही रहेगा, ये किधर भी आए, मादूद होकर के भी आएगा तो भी वैसे ही रहेगा, सिर्फ अल्फ है कि जब वो मादूद बनेगा तो इसके साथ वो सारे कायदे लागू होंगे जो किसी भी मादूद के साथ में लागू होते हैं। बात समझ आ गई? चलें आगे। इक़रा यानी पढ़ो, अल जुमलल आतियता, आने वाले जुमलों को, वक्तुबहा और उसको लिखो, मा किताबतिल आदादी अल वारिदती फीहा बिल हुरूफ, कहते हैं आने वाले जुमलों को पढ़िए और जुमलों में जहाँ पर अदद गिनती की सूरत में है उसको आप हुरूफ की शक्ल में लिखिए। तो क्या है नंबर एक में, ली जी, ली अरबातु इखवतिन
وَسَلَاسُ أَخَوَاتٍ, صحیح ہے نا؟ اربعتو اخوا, اخن کی جمع اخوا ہے نا, تو اخن مذکر ہو گیا. تو جب گنتی چونکہ یہاں پر چار ہے تو تین سے لے کے چار نو تک جو قاعدہ ہے الٹا رہتا ہے, تو اربعتو کی بجائے ہم کیا لے کر کے آئیں گے, اربعو کی بجائے ہم اربعتو لے کر کے آئیں گے, چونکہ اخ یہ یہاں پر مذکر ہے. تو ہم نے کیا کہا, لی اربعتو اخوتن و ثلاث اخواتن. جی صحیح ہے. چلیے دوسرا کوئی. جی دیکھیے ایک ہی جملے میں ہے نا دو تین باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. کیا کیا ہے کہ چونکہ یہ دس کا عدد ہے نا, یہ مفرد ہے, تو مفرد ہے تو تین سے لے کر نو تک والا قاعدہ آئے گا, یعنی مخالف ہوگا اپنے معدود سے. معدود کیا ہوگا, جمع اور مجرور ہوگا. اتنی بات ہو گئی. دوسری ایک بات جو آج بتائی گئی ہے کہ اگر ہمارا معدود مذکر ہے تو شین پر فتح, اگر ہمارا معدود مؤنث ہے تو سین پر ساکن. تو ہم کیا پڑھیں گے اس کو, فی بیتینا اشاراتو رجالن, اشاراتو رجالن مؤنث پڑھیں گے اور شین پر فتح دیں گے. فی بیتینا اشاراتو رجالن و اشرو نسائن. ذهب ابی الى الریاضی, یہاں تک تو صحیح ہے نا, میرے والد ریاض گئے تین دن کے پہلے نا. تو اب پہلے ہم تین دن کی عربی بنا لیتے ہیں, اس کے بعد پھر جو غلطی ہو رہی ہے اس کو بتاتے ہیں. تو تین دن کی عربی کیا بنے گی, ثلاثۃ ایامن, صحیح ہے نا. اب ہم نے کیا بنایا, ذهب ابی الى الریاضی قبل, اس وقت کیا بنایا ہم نے, ثلاثۃ ایامن ہو گیا. اب پرانی یاد دہانی کے طور پر جو پچھلے سال ہے نا میں نے بتایا تھا تخفیف کے مواقع, کوئی بھی اسم خفیف کب ہوتا ہے نا, چار پانچ صورتیں میں نے بتائی تھی نا, کوئی بھی اسم خفیف کب ہوتا ہے, خفیف سمجھ رہے نا, نون کی جو آواز آتی ہے وہ ثقیل کہلاتا ہے. نون وہ چاہے دو زبر دو زیر دو پیش کے صورت میں ہو یا نون نون ہی لکھا ہو, جیسے ہم نے کہا کالا من, تو یہاں پر میم کے اوپر دو پیش ہے, کالا من کالا من نون کی آواز آئی تو یہ ثقیل ہو گیا. ہم نے کہا کالا مانے نون کی آواز آئی, یہ ثقیل ہو گیا ہے نا. ہم نے کہا مسلمونا نون کی آواز آئی, ثقیل ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ ثقیل تو سب ہو گیا, کوئی بھی اسم خفیف کب ہوتا ہے, تو اس کے لیے میں نے چار پانچ صورتیں بتلائی تھیں. کیا بتایا تھا, بتایا تھا معرب بالحرکت پر جب لام تعریف آ جائے, یعنی ایسا اسم جو حرکتی اعراب والا ہو اس پر لام تعریف آ جائے, یعنی الف لام داخل کر دیں گے تو وہ خفیف ہو جائے گا. جیسے ہم نے کہا قلمن نون کی آواز آ رہی ہے, ہاں ہم نے الف لام داخل کر دیا, کیا ہو گیا, القلمو نون کی آواز غائب ہو گئی, القلمو ہے نا. جی تو ایک تو ہو گیا لام تعریف. نمبر دو ہم نے کہا تھا کہ معرب بالحرکت ہو یا معرب بالحرف, جب مضاف ہو تو خفیف ہوتا ہے. صحیح ہے نا. تو ہم نے کہا قلم نون کی آواز آ رہی ہے, اس قلم کو جب ہم مضاف بنا دیں گے تو ہم کیا بولیں گے, قلم فلان قلم فلان قلم نون کی آواز غائب ہو گئی, وہ خفیف ہو گیا. تو خفیف ہونے کی دو صورتیں ہم نے سمجھ لی, الف لام کا داخل ہونا اور نمبر دو مضاف کا ہونا. نمبر تین میں نے بتایا تھا کہ جب ایسی ترکیب ہو کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے, یہ دہرا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہاں یاد پھر سے آ جائے, جب فلاں فلاں کا بیٹا ہو ایسی ترکیب ہو تو اس میں ابن یا بنت سے پہلے جو نام آتا ہے وہ خفیف ہوتا ہے. ہم نے کہا زید بن فلاں زید بن خالد, تو ہم کیا بولیں گے, زید بنو خالدن. زید بنو دال پر جب اب تک پیش تھا دو پیش تھا, زیدن کہہ رہے تھے ہم, زیدن
इस जैसी तरकीब में जहाँ फला फला का बेटा वाली तरकीब रहे तो हम कहेंगे ज़ैदुबनु खालिदिन। दाल पर क्या हो गया, नून, नून हमने हटा दिया, ज़ैदुबनु खालिदिन। नंबर चार के तौर पे बताया था कि इस्म जब गैर मुनसरिफ होगा तो वहाँ पर भी नून की आवाज़ नहीं आएगी, वह नून के बगैर होगा यानी खफीफ हो जाएगा। चार सूरतें हो गई। ऐसा कोई इस्म जो पैदाइशी तौर पर ही खफीफ हो, ऐसा भी हो सकता है, जैसे हमने मिसाल में बताया था हाउलाई, है ना, हाउलाई कि पैदाइशी तौर पर ऐसे ही है, इसमें नून की आवाज़ है ही नहीं। तो ये चार पांच सूरतें हैं। उन चारों पांचों सूरतों में से हम यहाँ गौर करते हैं कि हमने इसको कबलो कबला क्यों कहा। तीन दिन के पहले जहाँ हम का की के इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर वो मज़ाफ़ और मज़ाफ़िले होता है ना, का की के, रारी ने और नानी ने, है ना, ये जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर मज़ाफ़ मज़ाफ़िले होता है। हमने कहा जैद का कलम तो काया, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया, है ना। हमने कहा मेरा कलम, यहाँ पर रा आ गया, ये भी मज़ाफ़ मज़ाफ़िले हो गया। हमने कहा कि अपना कलम, मैं अपने कलम से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मज़ाफ़ मज़ाफ़िले हो गया। हमने कहा तीन दिन के पहले के आया, मज़ाफ़ मज़ाफ़िले है। तो अब जब कबला मज़ाफ़ बन रहा है तो खफीफ़ हुआ, है ना, कोई पैदाइशी तौर पर वो खफीफ है, लेकिन इसको जब हमने कहा कबला, इसका मतलब कि बाद वाला मज़ाफ़िले बनेगा, तो हम क्या बोलेंगे, कबला सलासती अय्यामिन। यही गलती हो रही थी जी। चलिए अब उसके बाद कहते हैं कि उक्तुब यानी लिखो अल आदाद, अदद को लिखो तीन से लेकर दस तक। वज अल कुल मिनल कलिमात अल आतियती मादूदन लहू, और हर आने वाले कलिमात के लिए मादूद, है ना, हर आने वाले कलिमात को आप मादूद बनाइए। तीन से लेकर दस तक की गिनती लिखिए, और उस गिनती के लिए मादूद इन्हीं में से ढूंढ करके फिट कीजिए। नहीं समझे, तीन चार पाँच से लेकर दस तक लिखिए, और उसके सामने मादूद कहाँ से लाएंगे, ये जो लिखा हुआ है, है ना, जो छः अल्फाज, छः असमा दिए हुए हैं, इन्हीं छः असमा में से किसी को भी ला करके हम मादूद बना देंगे। शुरू करते हैं तीन से। तो तीन हमने लिख दिया, है ना, सलासु और सलासतु दोनों तीन है। अब हम मादूद बनाएंगे उसके लिए, तीन के लिए कहाँ से, सैयारा, उख्त, तालिबा, मजल्ला, बिनत और सा में से किसी को भी हम मादूद बना लेंगे। तो बनाते हैं अब्दुलरहमान। हमने तीन से लेकर दस तक लिख दिया, है ना, ऊपर नीचे। उसके सामने हमें लिखना है मादूद, और मादूद लेकर के आना है इन छः असमा में से। चलो जल्दी जल्दी आके करो। सलासु उख्त की जमा अखवात, सलासु अखवातिन। आगे चार वाला, चार लिखिए, अरबाउ और अरबातु दोनों चार है, इसके लिए यहाँ से मादूद ढूंढिए। अरबाउ तालिबातिन जी, आसान है, है ना, एक जैसा है ना। उसके बाद खम्स वाला आ गया, खम्सु सैयारातिन क्यों होगा, तीन से लेके नौ तक का मादूद जमा और मजरूर होगा, तो हम क्या बोलेंगे, खम्सु सैयारातिन जी। उसके बाद फिर सित्ता और सित्तता है, सित्तु मजल्लातिन। उसके बाद फिर सबातु और सबा है, सबऊ है, सबऊ सातिन जी। उसके बाद फिर समानी और समानिया तू, उसमें से कोई लेकर के आना होगा, समानी, हाँ समानी बनाते। आगे तिसातु और तिसउ सैयारातिन जी। उसके बाद फिर अशरा है, क्या बताए, हाँ अशरु अखवातिन जी, अखवात मुअन्नस है। चलिए उसके बाद है
अल कलिमातुल जदीद तो यानी नए नए कलिमात जो आए हुए हैं, मजल्ला मैगज़ीन जमा मजल्लात, अल हर्फ हर्फ लेटर जमा हरूफ, अल कलिमा यानी कलिमा वर्ड जमा कलिमात, और इंडोनेशिया यानी इंडोनेशिया। चलिए सबक नंबर 21 आसान है ये वाला। हाँ चलिए मदरसती, चलो अब्दुर्रहमान पढ़ो। अब्दुर्रहमान क्या हाजी ही? हाँ मदरसती जी। हाँ या तर्जमा भी करो, सब लोग नहीं समझ पाते। हाजी मदरसती जी, ये मेरा मदरसा है जी। ये करीब है तुम्हें अलमस्जिदी, ये मस्जिद से करीब है जी, वो मस्जिद वो हिया के माने भी वो है ना, मतलब पुराना सवाल है। हिया के माने भी वो, हुआ के माने भी वो, जालिका माने वो, और तिलका माने वो, तो क्या फ़र्क होगा सब में? जैसे हिया के माने वो, ये मोनस के लिए है, तिलका के माने वो भी मोनस के लिए है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? तिलका दूध, तिलका दूध, और हिया दूध के लिए। क्या जवाब रहेगा? हिया गायब के लिए, हिया गायब के लिए, और वो गायब के लिए, तिल के लिए। देखिए एक तो है जालिका के माने वो, और हुआ के माने वो है ना, जालिका भी मुजक्कर के लिए है और हुआ भी मुजक्कर के लिए। वो तो पक्का गायब है, जालिका तो सामने प्रेजेंट है, तो पक्का है ना। ये दोनों एक ही कैटेगरी में आ गए, यानी दोनों मुजक्कर के लिए, जालिका मुजक्कर के लिए, हुआ मुजक्कर के लिए, ऐसे ही तिलका मुअन्नस के लिए और हिया मुअन्नस के लिए। सबका माना है वो, जालिका माने वो, हुआ के माने वो, और तिलका माने वो, और हिया के माने वो। तिलका और हिया ये मुअन्नस के लिए, जालिका और हुआ ये मुजक्कर के लिए। अब सवाल ये है कि जालिका और हुआ इन दोनों में क्या फ़र्क है, तिलका और हिया इन दोनों में क्या फ़र्क है? कौन बताएगा? ये सवाल पुराना है, पुराना सवाल। देखिए हाँ, जो फ़र्क है दिस है ना, जैसे दैट है, दैट के माने वो, दैट के माने वो, और ही के माने उसके माने भी वो है ना, दैट के माने वो और ही के माने वो। दैट क्या है? ये इशारे के लिए है, और वो क्या है? ये ज़मीर है, किसी इस्म के बदले में जिसको इस्तेमाल करते हैं वो ज़मीर है, वो ही है, और किसी इस्म के बदले में इस्तेमाल नहीं करते, इशारा के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो दैट है ना। वही फ़र्क यहाँ पर भी है कि हुआ और हिया ये ज़मीर है, ना कि इशारा है, इसमें इशारा है, ये ज़मीर है, और तिलका और जालिका वो इसमें इशारा है, यानी जो हम कहेंगे दैट और दिस, दैट है ना, दैट के माने वो और ही के माने वो, दोनों के माने वो, लेकिन इस्तेमाल की जगह अलग अलग हैं, है ना। इशारा भी साथ, इशारा साथ में हो तो हम कहेंगे दैट, इशारा नहीं है किसी नाउन के बदले में इसको लेकर के आए हैं, है ना, तो वहाँ पर ही। ऐसे यहाँ पर भी है कि जालिका इशारे के लिए इस्तेमाल करते हैं मुजक्कर के लिए, और तिलका बराए इशारा है मुन्नस के लिए, है ना, लेकिन हुआ ये इशारा के लिए नहीं बल्कि ज़मीर के लिए है, हुआ मुजक्कर के लिए, और हिया ये ज़मीर है मुन्नस के लिए, इसमें इशारा नहीं है।